वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं BSCU ऑल स्टार्स वर्सेज BCCI स्पार्टन बल्गेरिया T10 मैच। क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम से रहने वाली है, क्या होगी प्लेइंग 11, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। सो ऑलरेडी जो फर्स्ट मैच है T10 का बल्गेरिया का, उसकी हमने वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून पे आ चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना। ये दिन का दूसरा मैच है जो ये खेला जाएगा बल्गेरिया में। अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना कि फेक चैनल्स काफी सारे हैं हमारे नाम के, और रेगुलर वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, हर टूर्नामेंट की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं BCCI स्पार्टन्स की। अब देखो जो स्पार्टन टीम है ना भाई, काफ़ी खतरनाक है, तीन मैच के लिए और तीनों के तीन विन करें हैं। चलो विन करना एक अलग बात है, तीनों के तीनों इन्होंने जो है ना तीन ओवर चार ओवर में जो है विन कर लिया, तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं इस टीम में, चांसेस हैं ये वाला मैच भी ये टीम विन कर सकती है। अब देखो यहाँ से ओपन करते हैं क्रिस लैकोव। अब यहाँ पर तीन मैच में इनके अगर हम पॉइंट्स देखें तो 55, 90 और 58 हर मैच में आते हैं, पिटाई करते हैं और पॉइंट्स देते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस बन जाएगी। लेकिन जो अब इनका एक ही दिन में तीन मैच लगातार हुए थे, तो अब जो तीसरा मैच हुआ था कि उसमें दिखाया यार कि बहुत ही कम रन बने हैं, तो उस मैच में ये ओपन करने नहीं आए थे, तो ये चीज़ एक हमेशा रहती है। फिर इनमें जो नीचे वाले खिलाड़ी हैं उनको ओपनिंग पे मौका दे दिया था, अदरवाइज ये आपको बॉलिंग भी करके देते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस बन जाते हैं स्मॉल लीग में। इनके साथ आएंगे कृष्णा कुमार। अगर आप तीन मैच के पॉइंट्स देखें, 12, 52 और 38, ये दो मैच में इन्होंने ओपन किया, तीसरे मैच में जैसा मैंने बताया रन्स बहुत कम थे तो दोनों ही ओपन करने नहीं आए थे। ये भी एक आपके लिए अच्छा विकल्प बन जाते हैं, आते हैं और पिटाई करते हैं, तो ओपनर इनके दोनों इंपॉर्टेंट हैं। डेल्विक वीनू इनके कैप्टन है और 38, 12 और 41 तीनों मैच में ठीक पॉइंट्स दिए हैं, सो एज अ नॉर्मल प्लेयर आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मोस्टली आपको दो ओवर करके दे सकते हैं। इब्रार अहमद की अगर हम बात करें, 24, 18 और 4 आपको बैटिंग से प्रमोशन मिल सकता है, सेकंड राउंड बैटिंग कर सकते हैं, एक आधा ओवर करके दे सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में अगर आप 8 से ज़्यादा प्लेयर इस टीम के लेना चाहते हैं तो रख सकते हो। जेकब गुल की बात करें, जेकब गुल इंपॉर्टेंट हैं, 59, 35 और 33 हर मैच में लगभग दो ओवर करते हैं और विकेट्स निकालते हैं, तो एक आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है। अली रसूल की हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपफ्रंट दो ओवर, अगर क्योंकि इस टीम में बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो बॉलर दो ओवर पक्का करेगा वो है अली रसूल, और पहले ही मैच जो इन्होंने खेला था उसमें 4 विकेट निकाल लिए थे और 142 पॉइंट्स दिए थे, उससे पहले भी अगर हम देखें 10 और 54, तो काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी, इंपॉर्टेंट है और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है। फिर आएंगे नितिन कुपूला, 29, 4, 4 आए, एक ओवर आपको मोस्टली करके दे सकते हैं, सो ग्रैंड लीग में कंसीडर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आएंगे निकोले नैनकोव, यहाँ पर ये मोस्टली दो ओवर करेंगे और हर मैच में पॉइंट्स दिए हैं, सो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये खिलाड़ी। जेक मैथ्यूज़ एक ओवर करके आपको देगा किसी मैच में, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रैंड लीग में कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर इवानोव और जिहाद हुसैन, इनसे ज़्यादा कुछ खास कराया नहीं गया था तो उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर हम इस टीम से सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि ये टीम मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, तो आप इस टीम के ज़्यादा खिलाड़ी जो है अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, तो क्रिस लैकोव सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और यहाँ पर अली रसूल, ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस है। फिर यहाँ पर डेल्विक वीनू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेकब गुल इंपॉर्टेंट है, सो 4 खिलाड़ी ये आपके हो गए पहले। फिर कृष्णा कुमार ओपनिंग पे आके रन्स बनाते हैं, सो 5 खिलाड़ी और यहाँ पर जो है निकोले, ये भी एक आपके लिए अच्छा विकल्प है। उसके बाद जेक मैथ्यू को ट्राई करना चाहते हो, इब्रार अहमद को ट्राई करना चाहते हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टीम की। सो उससे पहले अगर विजन 11 अब हो चुका है TDS फ्री, सो अगर आपका विजन 11 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्चून रेफर कोड है FORTUNE, उसके थ्रू डाउनलोड कर लेना, आपको 100 रुपये का रियल कैश भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक ऐसी ऐप पर खेलते हैं जहाँ TDS लग रहा है अभी भी, तो आप विजन 11 ऐप पर खेल सकते हैं। करते हैं दूसरी टीम की ऑल स्टार्स की। अब ऑल स्टार अभी तक एक भी मैच नहीं खेली है तो इनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है, लेकिन मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, पहले मैच में हमने सारा बताया कि कौन से प्लेयर 2022 में खेले थे, कौन से 2023 में खेले, सब आपको बताया।
अब यहाँ से देखो, ये इस टीम में कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जैसे जो ओपन कर सकते हैं वो है मुकुंद कद्यान, इंपॉर्टेंट है, आपको ओपनिंग पे भी आके एक पॉइंट्स दे सकते हैं, बैटिंग से भी, प्लस ये दो ओवर भी आपको करके दे सकते हैं, सो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस है। नितिन सुनील की अगर हम बात करें, ओपन करते हैं, प्लेयर अच्छा है, ट्राई किए जा सकते हैं, अब क्योंकि सामने वाली टीम अच्छी है तो ये नहीं है, पहले मैच में ही हमने इंपॉर्टेंट बताया काफ़ी, लेकिन इस मैच में ज़रूरी नहीं है कि आपने रखना है, बट ट्राई किए जा सकते हैं। एल्विन जेकब एक डिसेंट प्लेयर है जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, सो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे हरी कुमार इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों आपको करके देते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। जिष्णु शिव कुमार की बात करें, अच्छा खिलाड़ी है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, सो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अतुल जोसफ मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। गॉडविन येसुदास अगर हम बात करें, खेलते हैं तो ये दो ओवर आपको करके दे सकते हैं, सो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप ट्राई कर सकते हैं। इरशाद बशीर ग्रैंड लीग में अगर खेलेंगे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। यहाँ से भंडारी जो है, आप वो स्मॉल लीग में अगर चाहें तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जेकब को उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, और ए बाबू को आप अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम इस टीम से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पे है मुकुल कद्यान, ये आपकी टीम में होना भी चाहिए, और ये स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस रहेगा। मेरे हिसाब से जो टीम ज़्यादा तगड़ी है वो स्पार्टन की है, और वो ये वाला मैच विन कर सकती है, लेकिन इस टीम में अगर कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को करना है तो मुकुल कद्यान आपका एक विकल्प हो सकते हैं। दूसरा खिलाड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो है हरी कुमार और शिव कुमार, ये तीन खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आपने ट्राई करना है तो फिर एल्विन जेकब को आपने ट्राई करोगे, और फिर सुनील को, तो ये पांच खिलाड़ी इस टीम से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपने कोई खिलाड़ी ट्राई करना है तो आप भंडारी या फिर येसुदास को आप ट्राई कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ग्रैंड लीग ज़्यादा खेलिए, और जिन प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बताया आप उनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन करिए, आप काफ़ी अच्छी रैंक इस मैच में ला सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दिन पर दिन आपके लिए, चार चार पाँच पाँच वीडियो बनाते रहना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए अब क्रिएट करते हैं हम अपनी स्मॉल लीग। चार ऑप्शन आ जाते हैं, कृष्णा कुमार है, ए जेकब है, गुल है, सुनील है। मैंने कृष्णा कुमार को लिया है, ए जेकब को लिया, और जे गुल को लिया है। सुनील को भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से बात करें, सो बैटिंग सेक्शन से सिर्फ मैंने शिवा कुमार को अपनी टीम में रखा हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन से अगर हम बात करें, ए रसूल को लिया है, लेकोव को लिया है, कद्यान को लिया है, हरी कुमार को हमने अपनी टीम में रखा हुआ है। यहाँ पे अगर बशीर खेलते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, येसुदास आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, सो यहाँ पर डी वीनू को हमने अपनी टीम में रखा है, यहाँ पर हमने नैनकोव को लिया है, और हमने अभी के लिए हमने भंडारी को रखा है, तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन जो है मैंने इस मैच में लेकोव को किया, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर किया हुआ है रसूल को। यहाँ पर एम कद्यान भी कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत शानदार ऑप्शन है, आप उन्हें भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की, सो टीम वन हमारी ये रहने वाली है जिसमें हमने लेकोव को कैप्टन किया और कद्यान को हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें तो ए रसूल को हमने कैप्टन किया है, लेकोव को हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है। एक और जो कॉम्बिनेशन आपके लिए क्रिएट किया है उसमें हमने लेकोव को कैप्टन किया और जेकुल को वाइस कैप्टन किया हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं, और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन की कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।